हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टेट। तो फ्रेंड, आज के वीडियो का थंबनेल देख के आपको मालूम हो गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने पैन को आधार से किस तरह से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मतलब आयकर विभाग के द्वारा ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप 31 मार्च 2020 यानी 31 मार्च 2020 तक आप अपने पैन को आधार से लिंक कर लें। ठीक है ना फ्रेंड? तो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि आप घर बैठे अपने फोन या अपने लैपटॉप किसी भी चीज़ से आप किस तरह से अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी प्रोसेस बताएंगे फ्रेंड कि अगर आपका ऑलरेडी मतलब पहले से ही अगर आपका पैन और आधार लिंक है तो आप उसके स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक के अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा कर लें। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब इसके लिए अंतिम समय सीमा तय कर दी है, जो कि लास्ट डेट 31 मार्च 2020 है, और इस डेट के अंदर अंदर तक आपको अपना पैन आधार से लिंक कर देना है। ऐसा नहीं करने की सूरत में आपका पैन कार्ड न सिर्फ निष्क्रिय हो जाएगा बल्कि अमान्य भी हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड? जैसे कि अगर आप नहीं लिंक करते हैं उस डेट के अंदर में, तो आपका पैन कार्ड तो निष्क्रिय हो ही जाएगा, साथ में आपका पैन अनवैल्यूएबल मतलब कि अमान्य हो जाएगा। ठीक है, उसे आप किसी भी यूज में उसको आप नहीं ला सकते हैं। अमान्य हो चुके पैन का इस्तेमाल करने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से यानी सरकार की ओर से ये नोटिस भी आया है कि अगर आपने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करवाया, ठीक है ना, जो मतलब ड्यू डेट दी गई है, जो अंतिम समय सीमा तय की गई है, उस डेट तक अगर आप अपने पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन तो निष्क्रिय हो ही जाएगा, साथ में अमान्य भी हो जाएगा। और अमान्य होने की सूरत में ये है कि अगर आप अमान्य पैन को यूज करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ये तो थी फ्रेंड इनकम टैक्स के द्वारा जारी की गई नोटिस। चलिए आप देख लेते हैं कि हम अपने फोन या लैपटॉप से किस तरह से पैन को आधार से लिंक करते हैं। यहाँ पे लिंक करने के लिए फ्रेंड आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना होगा ई फाइलिंग, EFILING। जैसे ही हम ई फाइलिंग लिख के फ्रेंड यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेबसाइट आ जाएगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट पहला वाला लिंक है जो कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, इनकम टैक्स इंडिया फिलिंग .gov.in। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। ऐसे ही इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे मेरा ओपन होगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक कट का ऑप्शन मतलब क्लोज करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसको आप यहाँ पे ये कुछ ऐड है, एडवर्टाइज वगैरह है, तो इसको आप यहाँ से क्लोज कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में नीचे लिंक आधार का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड, आपको यहाँ पे लिंक आधार का एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपसे आपका पैन और आधार यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा। ठीक है फ्रेंड, जिस टाइम आप लिंक करने के लिए बैठे हैं तो आप अपने पास अपना पैन और आधार साथ में लेकर के बैठे हैं। यहाँ पे देखिए, आप अपना सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन पे पैन के ऑप्शन पे आप यहाँ पे अपना पैन डाल देंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आधार का है। ठीक है, यहाँ पे आप अपना आधार नंबर पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है नेम एज पर आधार, नाम फ्रेंड अकॉर्डिंग टू आधार, मतलब जो जैसे ही नाम आधार में है वैसे ही एग्जैक्ट नाम यहाँ पे आप फिल कर देंगे, यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन है, आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, उस पर आप टिक आउट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे एक और सहमति का जो कि है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विथ UIDAI। ठीक है, ये तीनों कॉलम फिल करने के बाद आपको यहाँ पे भी टिक आउट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कैप्चा कोड आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कैप्चा कोड को फिल करके और यहाँ पे नीचे लिंक आधार का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और लिंक होने का यहाँ पे ऊपर में एक मैसेज भी शो हो जाएगा कि हाँ आपका पैन आधार से लिंक हो गया है। चलिए फ्रेंड, ये तो बात रही पैन को आधार से लिंक करने की। अब देख लेते हैं कि जिनका ऑलरेडी पैन आधार से लिंक है लेकिन एट अ टाइम उनको ध्यान नहीं है कि हमने पहले कभी आधार से पैन को लिंक किया है या नहीं, तो उसका स्टेटस भी चेक करने के लिए फ्रेंड हम इसी वेबसाइट का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए, ऊपर में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये है क्लिक हेयर टू व्यू द स्टेटस इफ यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड लिंक आधार रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप इस पे जो क्लिक हेयर का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे दो चीज मांगेगा, आपका पैन और सेकेंड आपका आधार। ठीक है, तो दोनों आप यहाँ पे आप अपना एक में पैन और एक में आधार डाल दें। उसके बाद आप यहां पे जो ऑप्शन ये दिख रहा है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपका पैन ऑलरेडी लिंक पहले से लिंक किया हुआ रहेगा तो
तो आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा कि हाँ आपका पैन आधार से ऑलरेडी लिंक्ड है, और अगर नहीं लिंक रहा तो आपको वो भी मैसेज यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है।